हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आप सभी को अपने किचन से शुरू कराती हूँ। तो यहाँ पे मेरा किचन का काम आज लास्ट है। आज ये मिस्त्री जो कर रहे हैं ना, ये लास्ट काम है आज, क्योंकि कल मैं बताई थी कल का वीडियो में कि रात तो हो गया था, शाम हो गया था, नहीं तो कल काम ख़त्म हो जाता था। 2-3 घंटे का काम था, तो आज आधे टाइम समझिए ना, आधा टाइम लग ही गया है आज। तो आज लास्ट है, तो सफाई भी मेरा हो जाएगा आधा टाइम में। तो ये कर रहे हैं, टेल्स तो लग गया है, इसमें जो मसाला भरते हैं ना, वो इसका मसाला बना रहे हैं। इसका पाउडर आता है इसमें, मतलब जो जहाँ जहाँ जो नहीं रहता है ज्वाइंट, ज्वाइंट सब में मतलब लगाएंगे ताकि पता न चले। तो यहाँ पे ये किचन का काम भी मेरा हो रहा है, किचन का काम भी मेरा आज फाइनल हो चुका है। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए, मैं पूरा वीडियो लास्ट तक दिखाऊंगी आप सभी को। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए वीडियो लंबा तो होता है, लेकिन वीडियो का अंदर जाके तो देखना पड़ता है ना कि कैसा है, मतलब क्या चीज़ है वीडियो में। तो इस वजह से आप लोग को वीडियो तो पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे झाड़ के ये दीवार को, उसके बाद इसमें लगाएंगे मसाला। देखिए कितना कचरा, उसके बाद यहाँ पे चल गए थे मिस्त्री काम करके। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, देखिए इतना सारा कचरा है ना कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है सफाई करना। तो एक एक चीज़ को मैं, हर चीज़ को मैं रख रही हूँ जहाँ पे मुझे अलग समझ ही नहीं आता है ना। जैसे कि कैमरा चालू करेंगे तो और नहीं समझ आएगा कि मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या करूँ। तो मैं भी ऐसे ही सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ। तो ये हो रहा था, इतना सामान था ना कि हालत ख़राब हो गया था। डस्ट सबसे ज़्यादा परेशानी क्या करता है, तो ये डस्ट जो उड़ता है ना गर्दा, वो सबसे ज़्यादा परेशान उससे होते हैं, क्योंकि हर एक एक चीज़ में ये घुस जाता है। और साफ ये देखिए अभी कैसा दिख रहा हूँ, ये कचरा ना बहुत है। अगर मैं पूरा वीडियो अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँ ना, तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा और मेरा काम करने में भी ध्यान भी नहीं रहेगा। तो मैं इतना वीडियो तो लंबा नहीं बना पाऊँगी, देखती हूँ कहाँ कहाँ बनाती हूँ। अब मुझे आज पूरे किचन को साफ़ करना है, पूरे को फाइनल ही साफ कर लेते हैं। जितना भी सामान है ना, ये अचरा कचरा का, पूरे मुझे सारा को मैं हटा ही देती हूँ, क्योंकि साफ भी करेंगे और सोच रही हूँ कि आप किचन को शुरू भी कर दूँगी। क्योंकि ये वाला घर जो हम रहते हैं उसमें ना, मुझे ये देखिए नाक में कचरा, ये हो कचरा बहुत ही डस्ट है। मैं पीछे कैमरा करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितना कचरा है, ये देखिए। अगर मैं इतना दिखाना चाहूँ ना, तो साफ़ करने तो मुझे लग रहा है कि दो घंटा से कम नहीं लगेगा, क्योंकि पूरे मुझे फिनिश कर दे। मेरे जितना जी छज्जी है ना, पूरे को हमने तो झाड़ लिया है। और ये देखिए आज किचन पूरे बन के फाइनल हो गया है, तो साफ़ करेंगे उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे कि कैसा है अभी। और यहाँ पर ये पत्थर बच गया था, तो यहाँ पर हमने लगाया है कुछ सामान रखने के लिए, बहुत ही काम किया है और बहुत ही लुक अच्छा लग रहा है इसका, सुंदर लग रहा है। तो कचरा तो इसको हम साफ करके थोड़ा थोड़ा दिखाते रहेंगे बीच बीच में, ये देखिए। तो कुछ फाइनल लुक इस वजह से आया है, हमने पूरे में लगवा लिया है टेल्स, ये देखिए। और इधर एक इधर बच गया है, ये देखिए यहाँ पे बच गया है। मैं ये कह रहे थे कि ये छज्जा जो है ना, मतलब बोर्ड जो दिया हुआ है लाइट का, उसके सामान से ऊपर लगेंगे। लेकिन ये डिजाइन वाला एक देखिए, दो कलर का टेल्स लगा हुआ है, एक है ये डिजाइन वाला है और एक है सिंपल वाइट कलर का। तो वाइट कलर का ना ख़त्म हो गया था, सिर्फ डिजाइन वाला ही बचा था। अगर इस जगह में डिजाइन वाला लगाते तो अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो पैकेट, एक डे पैकेट है, तो ये बच गया है। तो शायद इसको वापस करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि ये देखिए कल ये नल जो है उधर भी लगवाना है, देखते हैं कहाँ तक काम हो पाता है। तो बात तो बहुत हो गया, तो चलिए कुछ काम कर लेते हैं। पहले आप लोग वीडियो में बने रहिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ सारा, मैं किचन को तो मैंने झाड़ू लगा दिया है, क्योंकि मैं तो पहले ही बताती इतना मैं दिखाऊंगी ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं किचन को साफ़ कर ली हूँ, ये वाला रूम को साफ़ कर ली हूँ। और अभी मैं आंगन में, देखिए अब कितना डस्ट उड़ेगा, आप लोग वीडियो में देखते रहिए। और एक बात ध्यान दे रहे हैं कि मेरा आंगन कितना सुंदर लग रहा है ना, ये देखिए, ये खिड़की लगने से और पीओपी होने से ना, मुझे कि पूरे घर का लुक ही चेंज हो गया है।
और सामने जो मेन गेट देख रहे हैं ना, मेन गेट, तो उसके ऊपर भी एक छज्जी बनेगा और उसके ऊपर डिजाइन बनेगा, जैसे कि मंडप के तरह एक डिजाइन चला हुआ है ना, जैसे कि एक गोल वाला चला है, एक मंडप की तरह चला है, तो इसके ऊपर मेन गेट के ऊपर ये डिजाइन बनेगा और उसके बाद अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद काम करते करते लग गया था भूख, तो मैं सोची कि पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आगे के काम करेंगे। या करते करते तो मुझे बहुत ही रात हो गया था, समझिए कि मैं 7:30 बजे 8 बजे के लगभग नहाई हूँ फिर से आज। सर्दी जुखाम इतना हो गया ना नहाने के बाद, तो आप मेरे आवाज़ से ही पता चलता होगा आप सभी को। तो मैंने क्या किया है, जितना भी खिड़की या शीशा सब है ना, इस सब में इतना मतलब घुसा, स्लाइडिंग वाला है ना, आगे पीछे करने वाला है, तो इसमें जो जाली जो नीचे रहता है ना, उसमें बहुत सारा कचरा है। समझ नहीं आता कैसे साफ, किचन एकदम साफ हो गया। मैं उसके एक दिन बाद दिखा रही हूँ वीडियो, तो मैंने कल ही बनाया था और मैं ये आज दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, सभी को हमने चमका दिया है, सफाई कर दिया है। और इसमें ना सिर्फ आप इसके में पैंप मतलब लगना है टोटी, तो अभी तो टंकी अभी सेट नहीं हुआ है, अभी प्लम्बर का काम बाकी है। ये देखिए सब कुछ आके खरीदा के रखा हुआ है। और ये देखिए अभी उतना अच्छा से कलर नहीं दिख रहा है ना, कितना चमक रहा है, ये वाला गंदा गंदा सा दिखता है। ये देखिए पूरे को ना, यहाँ पे हमने बहुत ही मेहनत लगा मुझे, कल मैं तो बहुत ही रात में नहाई थी, साफ करने में मेरा तो इतना टाइम निकल गया, इतना टाइम निकल गया कि आप लोग भी कहोगे क्या बार बार किचन का ही दिखा रही है। तो मैं किचन में बहुत मेहनत की हूँ, सही में बता रही हूँ, बहुत ही मेहनत की हूँ किचन में। और यहाँ पे देखिए ये है गैस रखने का, क्योंकि जितना साइज इसका है ना उतना ही साइज सिलेंडर का भी है, तो शायद नहीं आता तो वहाँ पे गड्ढा कर दिया है, तो उसमें सिलेंडर आ जाएगा। ये थोड़ा ना ऊंचा भी हो गया है और बहुत मोटा भी हो गया है ये वाला जो है, ये देखिए ये वाला जो है थोड़ा बहुत ऊंचा भी है और बहुत मोटा हो गया है, क्योंकि इसका मैं ना प्लास्टर भी कर दिया था, प्लास्टर के बाद टेल्स लगा है, तो इसकी वजह से ये हो गया है। और यहाँ पर भी देखिए मेरा काम ना अभी बहुत ही स्लो चल रहा है, घर का एक भी काम सही से नहीं हो पाता। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि ये बनाने की, मतलब एक तकिया मैं बनाई हूँ, जैसे कि ये कुशन कवर, कुशन तकिया नहीं होता वो वाला, मैंने बनाई थी पुराने कपड़े से, पुराने कतरन से, तो ये उसका ना एक कवर बनाना था। ये वाला एक कुर्ती है, तो आप लोग कुर्ती मेरा देखे होंगे कभी पहनते हुए, तो ये देखिए मैं तकिया का नाप लेती हूँ, जितना लंबाई नाप लेती हूँ और उसका जो गोलाई है मोटाई वो नाप लेती हूँ। तो एक था मतलब गोलाई तो था 25 और लंबाई था 26, तो इसके मतलब नाप से मैं यहाँ पे भी निशान बना के उसके बाद मैं कटिंग कर लेती हूँ। और ये मेरा पुराना कुर्ती है सूट, तो आप लोग भी बना सकते हैं इस तरीके से, अगर आप लोग के पास कोई पुराना कपड़ा हो, कुछ भी हो अच्छा, अगर आप लोग उसको चाहते हैं कि ये मेरे नज़र से दूर ना हो। देखिए ऐसा होता है ना कि जैसे कब कोई चीज़ हमको बहुत ही पसंद होता है, बहुत ही फेवरेट होता है, और हम इसको चाहते हैं कि ये हम अपने से दूर ना करें, हमेशा इसको देखें। तो मुझे भी ये कुर्ती बहुत ही पसंद था, तो मैं सोची कि चलो एक तकिया कवर बना देते हैं और हम इसको हमेशा देखते रहेंगे, यूज करते रहेंगे। और कपड़ा भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था, तो बहुत ही एकदम प्योर कॉटन था, बहुत ही गाढ़ा वाला। तो मैं इसका एक का तकिया कवर बना दी हूँ, तो आप लोग भी बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगले वीडियो में मिलूँगी एक अच्छा सा वीडियो लेके, अगला वीडियो आएगा ना इससे अगला वाला वीडियो सब बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बहुत ही अच्छा वीडियो सब आने वाला है। तो बाय फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलूँगी, ठीक है।